और हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है। सबका मोटिव यही है, मजा आता है ना। ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्यार कर रहा है, प्रपोजल प्रपोज कर रहा है, आई लव यू। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये लड़की सबको लव कर दी, तू लव कर ले। जो आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेना सब लोग भगवान है। तारीफ करो साहब कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। क्यों गा रहे हो किसी से? और हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है। एवरीवन, सबका मोटिव यही है, मजा आता है ना। एवरीवन, हर आदमी, और जब वो नहीं कर पाता तो बहुत परेशान होता है। मैं ध्यान करता रहता हूँ, दो तीन घंटे बैठा रहता हूँ तो फैजल भाई हमारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो वैसे तो उठा नहीं पाते, तो गाना गाते हुए अंदर आते हैं। हो जा सर कैसे हैं? मैं समझता हूँ, क्योंकि ये तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते। और मैं डंडा उंडा लगा के एकदम बैठे तो आते हैं 4-5 बार। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं रात में 2 बजे उठ गया, आज 12 बजे सोया, 6 बजे तैयार विद ऑल होमवर्क। ऐसा मैं तैयार है भैया, चलो कैसे कैसे क्या। जो आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेना समझ लो भगवान है। तारीफ करो उस आदमी की कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। नो वन इन दिस वर्ल्ड शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट यू। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्यार कर रहा है प्रपोजल प्रपोज कर रहा है, आई लव यू। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये लड़की सबको लव कर दी, तू लव कर ले इससे। यार नहीं, सिर्फ लड़ाई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्यार वो तो बहुत बड़ा। जब आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके, जब वहां से हार देंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। अगला बंदा तुम्हें फोन मिला, 3 घंटा तुमसे फोन पे बात कर रहा है कि बाजार में सीताफल पके हुए नहीं है। अबे तो मैं क्या करूं, ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है तो हमसे थोड़ी प्रेग्नेंट है, हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले, हम इतना इंटरेस्ट क्यों ले उसमें, उसके प्रेगनेंसी से हमें क्या लेना देना भैया। ये जो सन्यासी हिमालय की तरफ भागते हैं ना, ये इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भागते हैं, और कोई वजह नहीं है। दी सन्यासी जो रन अवे टुवर्ड्स हिमालयस, द बेसिक रीजन इज कि दे वॉन्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टिल दे अचीव देयर गोल। इसी को ध्यान में रख के गुरुकुल बना था, इसी को ध्यान में रख के आश्रम बने थे। दिल्ली में सक्सेस रेशियो अच्छा क्यों है? वहां आपका कोई आदमी नहीं डिस्ट्रैक्ट करने वाला। सर रिलैक्स हो जाते हैं लोग, चलो यार ठेकेदारी कर रहा कम से कम। मैं तो कह देता हूं कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, है परेशान रहते लोग, 24 बार पार हो गया, इलेक्शन नहीं लड़े, झूठ बोलते हो, फर्जी में मोमेंटम बनाते हो, तो तुम उस मोमेंटम में आते क्यों हो? मैंने गांव में कहा 90 में लड़ रहा हूं, लड़ क्या फायदा। कुछ लोग समझा रहे थे, कुछ लोग मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पैसा कहां से आएगा। अरे मैंने कहा 50 करोड़ तो दुबई से आ रहा है। फोन मिला फैजल से, कितना? बोले 50। अरे ठीक है 50 करोड़। 6 महीने मेरे गांव वाले सो नहीं पाए, इलेक्शन खत्म हो गया। बोले झूठ बोलते हो। हमने कहा तो इतना लोड काहे ले रहे थे, इतना क्यों परेशान थे, मरे जा रहे थे। 22 का लड़ूंगा। अरे तुम नहीं लड़ोगे? लड़ूंगा 22 का।
अब मैं लड़ू ना लड़ू ये मेरे ऊपर है। जीने मत दो किसी को, खेल है। किसी का दांव पलट गया है, किसी का चल गया है, खेल है, इट्स अ गेम। आम आदमी डर के मारे नहीं खेलता, हार गए तो। बिकॉज सोसाइटी हैज क्रिएटेड सर्टेन पैरामीटर्स टू डिप्रेस कॉमन पीपल, कि हार जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। फिर हो गई बेइज्जती, फिर अब क्या होगा? नहीं बेइज्जती होगी, हाँ तो क्या होगा? बेइज्जती होगी तब भी तो लोग तुम्हें डिस्कस करेंगे। मुलायम सिंह यादव सेड वंस कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तुम एक डर अपने दिमाग से निकाल दो, हारने का कुछ नहीं होगा। मारोगे फाइनली ये पक्का है, फाइनली ऑल हैव टू डाई। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्ती करो और काम करो। सोसाइटी हैज सेट सर्टन थिंग्स इन यू कि हार जाओगे। यू सिट विद द पीपल, टॉक बिग थिंग्स, सी द रिएक्शन ऑफ द पीपल। इफ राहुल गांधी सेज आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, नो वन विल लाफ ऑन हिम, ऑल्दो ही विल नेवर बिकम। इफ यू से, एवरी विल स्टार्ट लाफिंग ऑन यू। व्हाई? टू डिमोरलाइज यू। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रेपरेशन है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रेपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा आईएएस आ गए हैं अब अपने सदाशिव पेठ पुणे में, जहाँ पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहाँ ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? एनसीईआरटी बेसिक्स और जीएस बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा आईएएस का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqraias.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ, इकरा आईएएस अबाउट नोटबुक हब, ट्रक रोड, सदाशिव पेट, पुणे।